रामगढ़ताल थाने के पुलिस ने बंद घरों में चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि रामगढ़ताल पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर डुमवा ढाला के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान रवि निषाद पुत्र रामकेश निवासी रानीबाग थाना रामगढ़ताल तथा करण सहानी पुत्र स्वर्गीय सुखारी सहानी निवासी महुई सुघरपुर थाना रामगढ़ताल के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 1.25 किलो चांदी व 140 ग्राम सोना बरामद हुआ है। एसएसपी ने बताया कि करीब 1.5 माह पहले सिद्धार्थपुरम कॉलोनी में एक डॉक्टर के घर से रवि निषाद तथा करण सहानी अपने साथी प्रवेश कुमार निवासी पथरा थाना रामगढ़ताल के साथ मिलकर घर के अंदर से चोरी किए थे, जिसमें बहुत सारे जेवरात व नगद रुपया मिला था। उस घटना में प्राप्त अपने हिस्से के जेवरात को गलाकर भट्टी बनवाकर अपने पास रखे थे, जिसको बुधवार को बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि चोरों की निशानदेही पर एक मोटरसाइकिल, एक लैपटॉप, एक मिक्सर, 3 गैस सिलेंडर, 2 एलसीडी टीवी, 10 मोबाइल, एक हीटर, 3 साड़ी व 1 सूट चोरी का तथा 1400 रुपये नगद बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह, आजाद नगर चौकी प्रभारी अभिनव मिश्रा, फलमंडी चौकी प्रभारी अक्षय कुमार मिश्रा, आजाद चौक चौकी प्रभारी विशाल कुमार उपाध्याय, उप निरीक्षक अजय कुमार राय, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश सिंह, लोकनाथ सिंह, लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल अंकित यादव, देवानंद प्रवीण कुमार पांडे, प्रवीण कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा। रामगढ़ताल में विगत दिनों में बंद घरों में कुछ गिरोह चोरी कर रहे थे, अलग अलग जगहों पे चोरी किए थे, तो इसी का गिरोह ये पकड़े गए, जिसमें से रवि एवं करण नाम के जो अपराधी पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ 8 मुकदमे हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी है कि दिन में ये मोटरसाइकिल लेके गली गली घूमते थे, हर कॉलोनियों में घूमते थे जहाँ पे बंद घरों का निशाने बनाते थे, उसके बाद उस घरों में रात में 12 बजे के बाद जाके खुद के चोरी करते थे और सामान ले जाते थे। इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से लगभग 150 ग्राम सोना एवं 1 किलो चांदी, इसके अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एलईडी टीवी, मोबाइल फ़ोन्स रिकवर हुआ है। पूरा कीमत लगभग 12 से 13 लाख होने का संभावना है। इनके गिरोह के 2 अन्य सदस्य अभी फरार है, उनको भी पकड़ेंगे, उनसे भी माल बरामद होने का संभावना है। फिलहाल इनके द्वारा 8 चोरी की घटनाएँ कबूला गया है, पहले से FIR दर्ज है, ये घटनाएं वर्कआउट हुए हैं।